सो वेलकम फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं डायोड्स के ऊपर कि किस तरीके से हम डायोड्स को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर को भी हम किस तरीके से इजीली चेक कर सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है इसके अंदर चार डायोड्स ही लगे होते हैं, तो इनको चेक करने का और अपना डायोड्स को चेक करने का मेथड एक ही होता है। बस आपको ये जानना होता है कि किस तरीके से इसके अंदर डायोड्स की प्लेसमेंट होती है। ये मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है ब्रिज रेक्टिफायर में चार डायोड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, इस तरीके से लगे हुए होते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि किस तरीके से हम डायोड्स को चेक कर सकते हैं कि डायोड हमारा सही है नहीं है, और ब्रिज रेक्टिफायर को भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ओके है कि नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे डायोड को हम किस तरीके से चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4007 डायोड, ये मोस्ट कॉमनली यूज डायोड है जो कि आपके सभी सर्किट्स में लगा हुआ होता है। इसको चेक करने का मेथड बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने मल्टीमीटर को लेंगे, मल्टीमीटर को आप करेंगे डायोड रेंज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायोड का सिंबल बना हुआ है, इस रेंज में आप मल्टीमीटर को कर देंगे, ठीक है। मल्टीमीटर को हमने कर दिया है डायोड रेंज में, मल्टीमीटर को हम रखते हैं साइड में। अब इस सबसे पहले आप क्या करेंगे, मल्टीमीटर के दोनों लीड्स को आप शॉर्ट करके देख लेंगे कि मल्टीमीटर आपका सही से वर्क कर रहा है या नहीं। ये आपका 0 0 एकदम बिल्कुल 0 0 बताएगा, ठीक। तो उसके बाद हम लेंगे अपना डायोड, कोई भी हम एक डायोड लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ये डायोड ले लिया, तो इसको चेक करने का सबसे इजी वे क्या है, जैसे कि आपका ये डायोड है, इस पे आप देख रहे हैं एक साइड तो है ये वाइट कलर की मार्किंग बनी हुई है, बाकी ये पूरा ब्लैक है। तो जो वाइट कलर की मार्किंग होती है ये होता है हमारा कैथोड, कैथोड यानी कि माइनस पॉइंट जो होता है अपने डायोड का, ये जो है इसका प्लस पॉइंट है। तो इसी तरीके से हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे हम इसका माइनस जो हमारी लीड है मल्टीमीटर की वो हम लगाएंगे डायोड के इस साइड में, यानी कि यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे, ठीक है। और हमें रेड जो हमारी प्रोब जो है वो यहाँ पे लगानी है, यानी कि दूसरे हिस्से पे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जरा होता क्या है इस चीज़ से, तो आप देखिए जरा, ये फोकस कर लीजिए मैंने जरा सा। अभी मैंने ये डायोड का ये लगाया, मैंने दोनों साइडों पे एनोड और कैथोड पे मैंने अपने मल्टीमीटर की लीड्स लगा ली। आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीमीटर पे कुछ ये वैल्यू शो कर रहा है 0.451, ये कुछ भी हो सकता है, 0.458, 0.7 कुछ करके ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये 0.28 से लेके 0.6 या 0.7 तक जा सकता है। दूसरी साइड अगर हम इसको चेक करते हैं अपने मल्टीमीटर की प्रोब्स को पलट के, तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग हमें शो नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो डायोड है, जैसे कि मैंने आपको हमारी पिछली वीडियो भी है उसमें मैंने पूरा क्लियर बता रखा है। आप चेक करेंगे तो डायोड जो है कभी भी अगर हम पॉजिटिव जो है सप्लाई इसके एनोड पे देते हैं तो ये क्या करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव सप्लाई जो है अपने अंदर से पास होने देता है, यानी कि अगर हम पॉजिटिव यहाँ पे देंगे तो ही ये इसको यहाँ से पास होने देगा। पॉजिटिव को अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो ये यहाँ से यहाँ इसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, इसको यहाँ से यहाँ पास नहीं होने देगा। तो यही इसका मेथड है चेक करने का, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप जो इसका कैथोड है, कैथोड पे अगर आप ब्लैक लगाते हैं, एनोड पे आप प्लस देते हैं, यानी कि ये प्लस वाली लीड है जो कि मैं लगा रखे पॉजिटिव लीड है, पॉजिटिव को अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तभी ये इसके अंदर से कुछ जो वोल्टेज है उसको पास होने दे रहा है, तभी इनको जो है कंटिन्यूटी मिल रही है। देख रहे हैं आप जैसे मल्टीमीटर पे, तभी ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है कुछ। और अगर मैं इसको प्रोब्स को पलट देता हूँ, जैसे कि मैंने ये प्रोब्स को पलट दिया है, कैथोड साइड मैंने इसका क्या किया है प्लस लगा दिया है, एनोड साइड मैं माइनस लगा रहा हूँ, इस कंडीशन में क्या है, कोई भी हमें वैल्यू ये शो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही हम 4148 नॉर्मल डायोड को भी चेक करते हैं। इसी तरीके से हम जैसे कि ये देख सकते हैं मेरे पास एक जीनर डायोड भी रखे हुए हैं, ये 15 वोल्ट का जीनर डायोड है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें एक साइड में ब्लैक मार्किंग है, ठीक है, ये ब्लैक मार्किंग है, बाकी ये पूरी बॉडी इसकी ऑरेंज या फिर रेड कलर की है। तो इसको भी चेक करने का सेम तरीका है, इसमें भी आप क्या करेंगे इसके कैथोड इसमें भी आप क्या करेंगे इसके कैथोड पे आप ब्लैक वाली प्रॉब लगाएंगे इस तरीके से, और रेड वाली जो है अपनी यानी कि एनोड जो है इसके एनोड पे लगाएंगे। तो आप देखेंगे मल्टीमीटर पे कुछ, एक मिनट में ज़रा फोकस कर लूँ, आप देखेंगे तो ये मल्टीमीटर पे आपको कुछ रीडिंग शो करेगा,
ठीक है, इस तरीके से। और यही अगर मैं इसकी अपनी मल्टीमीटर की लीड्स की जो है पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ, अगर मैं इसके कैथोड पे अगर मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ अपने मल्टीमीटर की लीड, और एनोड पे, एनोड जो है उस पर मैं अपना ये माइनस लगाता हूँ, तो देखो क्या होता है, ये कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम जो है कोई भी डायोड को हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अब चेक करके बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने हमारा ये कैथोड है इसका, ये आप देख सकते हैं, पास से मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। अभी फ़िलहाल जो है हमने एनोड पे एनोड लगा रखा है, कैथोड पे हम कैथोड लगाने जा रहे हैं। तो ये देखेंगे तो कुछ ये वैल्यू शो करेगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं इसकी इसको डायोड को उल्टा कर देता हूँ, मैंने कैथोड साइड हमारा उस पर हमने लगा दिया है पॉजिटिव, और अगर मैं ये लगाता हूँ नेगेटिव इस पर, तो कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा। तो यही एक तरीका है जिससे आप डायोड को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला आपको, चेक करने जा रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने का बहुत ही ईजी मेथड है। इसको भी, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मल्टीमीटर को अपने करेंगे डायोड रेंज पे। ठीक, मल्टीमीटर को इस तरीके से हम डायोड रेंज पे कर देंगे, और यहाँ साइड में रख देते हैं थोड़ा, और हम कोई भी एक ब्रिज रेक्टिफायर ले लेंगे। जैसे कि अभी फ़िलहाल के लिए हम ये ले लेते हैं, आपको समझाने में इसमें थोड़ी क्या है आसानी हो जाएगी मुझे भी। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे पॉजिटिव का एक साइन बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉजिटिव का ये मैं दिखा दूँ आपको पास करके थोड़ा सा ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं KVPC 3510 मॉडल नंबर लिखा है, यहाँ पे एक पॉजिटिव का साइन बना हुआ है, यहाँ पे AC लिखा हुआ है। अब AC के सामने वाला पॉइंट क्या है, AC है, यहाँ पे हम AC वोल्टेज अपना देंगे। और यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारा प्लस DC आउटपुट का जो है हमारा प्लस है। अब प्लस के सामने वाला डायगनली जो होगा हमारा, यानी कि तिरछे साइड में जो भी होगा हमारा, वो नेगेटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब ये हमारा पॉइंट हमारा AC था, अब इसके डायगनली क्या हो गया, AC हो गया, यानी कि AC इनपुट जो है हमें यहाँ पे देनी है, इन पिनों पे हमें AC इनपुट देनी है, और यहाँ पे क्या है हमें DC आउटपुट मिलेगी। तो सबसे पहले ब्रिज को चेक करने का एक तरीका है, हम मल्टीमीटर को जैसे हमने डायोड रेंज पे कर लिया है, ठीक है, अब इसके AC पॉइंट्स के बीच में हम देखेंगे कि कोई हमें शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा, कोई रीडिंग तो नहीं बता रहा। कोई भी रीडिंग नहीं बतानी चाहिए AC के पॉइंट्स पे। दोनों AC के पॉइंट्स हम चेक करके देखेंगे, आपस में इंटरचेंज करके भी देखेंगे, जो हमारी मल्टीमीटर की लीड्स हैं उनको भी, कि कोई रीडिंग तो नहीं बता रहा। इस तरीके से जो है कोई रीडिंग नहीं बताना चाहिए ब्रिज रेक्टिफायर में AC के जो पॉइंट्स हैं इस पर। अब हम क्या करेंगे, DC पे चेक करेंगे, जो हमारे DC के जो पॉइंट हैं, यानी कि प्लस और माइनस पे हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हमारा ये शो करेगा हमें। अब हम क्या करेंगे, दोनों हमने मल्टीमीटर की लीड्स जो है ये हमें इस पर लगाई, प्लस और माइनस पे। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ हमें रीडिंग शो कर रहा है, 0.84840 के आसपास, ठीक है, 839 एक्चुअली, वो 840 ही मान लेते हैं उसको। तो हमें कुछ ये रीडिंग शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर की लीड्स को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि प्लस पे हम लगाएंगे रेड, माइनस पे लगाएंगे हम ब्लैक। अब ये क्या है, कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है, एक साइड में जो है हमारा रीडिंग बताता है पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक साइड जो है उसे कुछ नहीं बताना चाहिए। जैसे हम पॉजिटिव पे हम ब्लैक लीड लगाएंगे, और नेगेटिव जो हमारा है उस पे हम लगाएंगे रेड लीड। ये ऐसा हम क्यों लगाते हैं, हमने तो चेक किया था कि डायोड पे हम, जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे थे कि, जैसे मैं इस पे अगर आपको बताऊँ, तो हम बात कर रहे थे पहले कि हमारा ये जो है पॉजिटिव साइड होता है, ये हमारा पॉजिटिव साइड होता है, ये हमारा नेगेटिव साइड होता है मल्टीमीटर, इसको डायोड का हम इस तरीके से चेक कर रहे थे, ठीक, डायोड तो हम इस तरीके से चेक कर रहे थे, ठीक है। और हमने डायोड में क्या किया था, माइनस पॉइंट पे हमने माइनस लगाया था, प्लस पे हमने प्लस लगाया था। अब हम इस पे उल्टा क्यों कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं उल्टा क्यों कर रहा हूँ, इस पे माइनस लगा रहा हूँ, और यानी कि हम प्लस वाले पे माइनस लगा रहे हैं और माइनस वाले पे प्लस लगा रहे हैं, तो हमें रीडिंग शो कर रहा है, ये तो उल्टा कर रहा है उसके हिसाब से, तो लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली। क्योंकि होता क्या है, जब हम डायोड जो हमारा है इसके हम पॉजिटिव यहाँ पे देते हैं, तभी ये हमें यहाँ पॉजिटिव शो करके देता है। यानी कि अगर हम, जैसे हमारा AC आता है यहाँ पे, तो वो खाली क्या करेगा, इसमें से पॉजिटिव सप्लाई को ही पास होने देगा, बाकी नेगेटिव को ब्लॉक कर देगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम चेक करने के लिए हम डायोड को खाली क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव लगाते हैं, तो हमारी वैल्यू देता है। इसी तरीके से हमारा जो ये है प्लस जहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली ये होता है इसका कैथोड, दोनों डायोड्स का जो कैथोड है वो ये होता है, ठीक है, और ये होता है इसका एनोड, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो ये प्लस साइड है, ये हमारा होता है दोनों डायोड्स का कैथोड, कैथोड यानी कि हमें इस पर लगाना पड़ेगा
माइनस, ठीक है, यानी प्लस पे हमारा लगेगा कभी भी माइनस चेक करने के लिए। माइनस हमने ये लगाया, इस तरीके से हम चेक करेंगे तो ये हमें कुछ वैल्यू शो करेगा, ठीक है, ये हमें वैल्यू शो कर रहा है, इस साइड में इसको नहीं शो करना चाहिए। या आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो एक साइड में प्लस माइनस पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको 0.840 के आसपास कुछ रीडिंग देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड नहीं दे रहा है और एक साइड दे रहा है, तो ये 0.840 के आसपास आपको रीडिंग देगा अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव के बीच चेक करेंगे रेक्टिफायर पे। और एक और तरीका इसको चेक करने का कि हम जो हमारा पॉजिटिव साइड है हमें पता है पॉजिटिव ये है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस, यानी अपने मल्टीमीटर का माइनस, और हम दोनों एसी पॉइंट से भी चेक कर लेंगे, ये हमें लगभग 0.4 के आसपास हमें कुछ रीडिंग शो करेगा दोनों पॉइंट्स पे, ठीक है। और हम दूसरी साइड भी चेक कर लेंगे पॉजिटिव लगा के भी, यहाँ पे भी हमें सेम शो करेगा। इस तरीके से जो है आप इसको चेक कर सकते हैं, ये ब्रिज रेक्टिफायर एकदम ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले ब्रिज रेक्टिफायर की, तो इसमें कैसे आप चेक करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि पॉजिटिव कौन सा है नेगेटिव कौन सा है, इसको भी आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। पहली बात तो इस पे जो ये कट बना हुआ है, जो ये नोच बनी हुई है, ये क्या दिखाता है, ये पॉजिटिव साइन को हमें दिखाता है। जैसे कि इस ब्रिज रेक्टिफायर में आप देख सकते हैं, इस ब्रिज रेक्टिफायर में भी एक कट बना हुआ है, तो यानी कि क्या है, ये हमारा पॉजिटिव साइड है। अगर इस पे कहीं मेंशन भी ना हो तो भी हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव साइड है, ठीक है। इस तरीके से ये हमें पता लग गया पॉजिटिव साइड है पॉजिटिव, और ये हमारा क्या होगा नेगेटिव, यानी कि बाहर बाहर वाली पिन जो है हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव हो गई, ठीक, इसका यानी कि प्लस और माइनस हो गया। अब प्लस माइनस हमारा हो गया, हम किस तरीके से इसको चेक करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मल्टीमीटर को यहाँ और यहाँ पर लगाएंगे, हमें 0.9 के आसपास ये रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या है उल्टा चेंज करके लगाएंगे आपस में, अब ये क्या है देखिए, हम आपको आपस में चेंज कर देते हैं इनको, अब यहाँ चेक करेंगे तो ये कोई रीडिंग नहीं शो करना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये डायोड हमारा यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वापस मल्टीमीटर की लीड्स को चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक लीड को हम प्लस या माइनस किसी पे भी लगाएंगे, यानी कि हम वैसे तो जनरली क्या है, हम जो हमारा नेगेटिव साइड है उसमें हम रेड लीड लगाते हैं, रेड लीड लगाएंगे हम माइनस वाली इस पर, ठीक है, माइनस वाली पिन पे। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से एसी पे हम चेक करेंगे, ये आपका 0.4 के आसपास वोल्टेज शो करेगा, 0.4 के आसपास रीडिंग शो करेगा, सॉरी, ठीक है, ये आपका 0.4, ये आपका 0.4, ये ऐसा ही आपको रीडिंग शो करना चाहिए। और सेम हम चेक करेंगे इसका प्लस वाली साइड पे, प्लस वाली साइड है ये हमारी, इससे हम इस पे हम रखेंगे माइनस की लीड, ऐसे हम इसको चेक करेंगे तो 0.4 ऐसे आपस में बताएगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में चेक करेंगे तो कोई भी हमें यहाँ पे रीडिंग नहीं आनी चाहिए, एसी के पॉइंट्स पे कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये तरीका था अपना ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करने का, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी आपके मन में डाउट है, अगर आपको नहीं समझ में आता कि किस तरीके से वर्क कर रहा है तो कि किस तरीके से हम चेक करें इसको ब्रिज रेक्टिफायर को, तो मैं इस पर आगे भी वीडियो बना दूंगा इस पर, और ठीक है।